किसान भाइयों, राम राम, नमस्कार। मैं सतीश शर्मा जाफराबादी पंजाब के लुधियाना के कद्दों गांव में हूं और इस गांव में आप देख रहे हैं गाय है और ये मशीन है, मिल्किंग मशीन है। किस तरह से मिल्किंग मशीन काम करती है और क्या इसके लाभ हैं, किसान भाई जो पशुपालक भाई हैं यहाँ इससे दूध निकालेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे कि किस तरह से आप मिल्किंग मशीन से बढ़िया दूध निकाल सकते हैं और जो मेहनत है, समय है, उससे बचा सकते हैं। लगातार पूरा वीडियो देखें, नए साथी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। जी मंजूत भाई, आप जो ये मिल्किंग मशीन से आपने जो गायों का दूध निकाल रहे हैं, ये कितने समय से निकाल रहे हैं आप, पहले तो बताइए। समय तो देखिए जी, मशीन हमारे 2002-03 से लगी हुई है, लेकिन अभी जो हमारे दोस्त हैं तो खोसला जी, इनकी मशीनें तकरीबन 2 साल से इनकी चल रही है। अच्छा अच्छा, ये जो है मशीन, ये कहाँ की बनी हुई है? ये माछीवाड़ा की बनी हुई है। माछीवाड़े की, कौन सी कंपनी की है जी भाई जी मशीन? ये खोसला की है भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इस मशीन से जो हम आपका ये देख रहे हैं कैन में ये दूध जो है आपकी में, ये कितना दूध होगा? तकरीबन ऑलमोस्ट 20 की रेंज में, 1-2 किलो इधर उधर। अच्छा, 20 की रेंज में, और इस गाय का दूध है ये आपकी का, तो ये कितनी देर में इसने निकाला होगा मशीन ने, और क्या खास बात है इस मशीन की बताइए। ऑलमोस्ट 5 मिनट लगते हैं गाय को। अच्छा अच्छा, जो मशीन मिल्किंग मशीन, अगर किसी का कम दूध है तो कोई में 3 का भी हो जाता है, किसी का 4 में भी हो जाता है, किसी का थोड़ा ज्यादा भी लग जाता है, डिपेंड करता है दूध के ऊपर और गाय के टीट साइज के ऊपर और उसकी टीट की जो पकड़ के ऊपर की, कुछ की धार नरम रहती है, कुछ की थोड़ी हार्ड भी गाय में। अच्छा अच्छा, उसके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी मशीन कितना सफल है, ये बढ़िया काम कर रही है इसमें कोई? मशीन भाई जी देखिए बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन मान लो अगर हमने मिल्किंग मशीन देखे कि किसी ने कम गाय रखी हुई है
तो उसके घर पे थोड़ा लेबर का प्रॉब्लम आ रहा है, या उसको मिल्किंग नहीं हाथ से ज़्यादा गाय की 10 गाय है उसका दिक्कत हो रही है, तो ये अफोर्डेबल मशीन है, रेट में सही है, हर चीज़ इजी अवेलेबल है, इसकी अवेलेबिलिटी भी है, इसके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी है, तो बंदा ले सकता है और उसके लिए बड़ी सक्सेसफुल मशीन है, काम अच्छा करती है।